हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, एक महिला का उसके पति और सास ससुर की संपत्ति में क्या अधिकार है, उसका क्या हक है और कानून में उसे कितनी हिस्सेदारी दिलाने की बात की गई है, इसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्त, ये भी कहा जाता है कि पत्नी 50% प्रॉपर्टी की हिस्सेदार है, इसमें कितनी सच्चाई है इसे भी जानना होगा। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 19 में पत्नी के पास ये हक है कि वो कोर्ट से रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती है, यानी उस घर में रहने का अधिकार ले सकती है। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो पावर है वाइफ के पास, क्या ये सास ससुर की संपत्ति पे भी लागू होगा। दोस्तों, पति की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत, यानी हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत पत्नी होती है, बेटा होता है, बेटी होती है दोस्तों, और उसकी माँ होती है। ये क्लास वन उत्तराधिकारी हैं दोस्तों, जिनके पास एक व्यक्ति अगर बिना किसी विल यानी वसीयत के वो खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो प्रॉपर्टी इन लोगों में चली जाएगी। इस तरीके से पति की मृत्यु के बाद पत्नी उसके संपत्ति में एक हिस्सेदार बन जाती है। दोस्तों, पत्नी को अगर तलाक दे दिया गया है या उसने खुद से तलाक लिया हुआ है अपने पति से, तो ये जो सक्सेशन एक्ट है जिसके तहत एक मृत पति यानी पति की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी पत्नी को जाती है, वो कानून लागू नहीं होगा। एक डिवोर्स्ड वाइफ यानी तलाकशुदा महिला अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का कोई भी हिस्सा नहीं ले सकती। पति कुछ संपत्ति शादी से पहले अर्जित करता है, वैसी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसके द्वारा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं, कुछ ऐसी संपत्ति हैं जो वो शादी के बाद अर्जित करता है, उसको खरीदता है या उसे गिफ्ट में, विल में, बहुत तरीके से प्रॉपर्टी लोगों के पास आती है, अगर पति के पास भी प्रॉपर्टी आती है। तो ऐसी स्थिति में, दोनों ही कंडीशन में दोस्तों, पत्नी हस्बैंड यानी पति की प्रॉपर्टी पे, चाहे वो शादी से पहले अर्जित की गई हो या शादी के बाद, उस पे अपना कानूनी क्लेम यानी दावा नहीं कर सकती दोस्तों। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बत्रा और तरुण बत्रा के केस में सास ससुर के पक्ष में एक निर्णय दिया था कि साझा घर होते हुए भी जो बेटे की पत्नी है वो उस घर में अपना हक नहीं दिखा सकती, और शेयर्ड हाउस होल्ड का जो डेफिनेशन है उसके तहत उस घर में वो अपनी जगह नहीं मांग सकती या उस घर में वो काबिज नहीं रह सकती है दोस्तों। सतीश चंद्र आहूजा और स्नेहा आहूजा के केस में 15 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है, जिसमें 3 जजेज की बेंच ने 2 जजेज के उस बत्रा वाले केस के निर्णय को खारिज कर दिया है दोस्तों। ये पत्नी के पक्ष में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर वो सास ससुर का घर है, उनका उस पे मालिकाना हक है, अगर पत्नी वहाँ रह रही है या पति भी वहाँ रहता है, तो किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी शादी से संबंधित कोई विवाद होने पे पत्नी को उस घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा है दोस्तों कि एक सभ्य समाज में औरत को इस तरीके से बाहर नहीं किया जा सकता, उस घर से जहां बाकी लोग भी रह रहे हैं। इस तरीके से बत्रा के निर्णय को उसने इन शब्दों में खारिज किया कि ये डिसीजन 2006 में लिया गया था दोस्तों, और इस 2006 के निर्णय में इस एक्ट को, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जो प्रावधान हैं उनको सही तरीके से नहीं समझा गया। इस एक्ट के जो उद्देश्य हैं उनको भी ध्यान में नहीं रखा गया। दोस्तों, पत्नी के पास मेंटेनेंस का, एलिमनी का अधिकार है, मैं बता दूं। उसे पैसे मिल सकते हैं, एक लमसम अमाउंट, अगर डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स हो रहा हो तो कोर्ट उसे एक मुस्त लमसम अमाउंट जिसे कहते हैं वो देने का ऑर्डर पास कर सकती है दोस्तों। पति की संपत्ति पे पत्नी का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों, वो मेंटेनेंस सिर्फ ले सकती है, मंथली मेंटेनेंस हो या अगर वो तलाकशुदा हो गई है या तलाक की प्रक्रिया चल रही है तो लमसम अमाउंट का प्रावधान है।
पत्नी पति की संपत्ति पर 50% जो कहते हैं वो क्लेम नहीं कर सकती। कोई बच्चा है तो उसका हक प्रॉपर्टी पे आएगा दोस्तों, लेकिन पत्नी का पति की संपत्ति पे कोई भी अधिकार, कानूनी अधिकार या दावा नहीं चल सकता दोस्तों, वो सफल नहीं हो सकता कोर्ट में, मैं आपको बता दूँ।